तो ये सब भगवान की कृपा होती है। कब कहां क्या होना है ये वो जानता है। जो लोग मेरे भजन सुनते हैं, एक भजन मैंने गाया था कि बाबा मैं तेरी कठपुतली। हम लोग केवल कठपुतलियां हैं, नचाने वाला कोई और है, लेकिन हम लोग खुश हो जाते हैं भाई हमने मकान अच्छा बना लिया, हम पे अच्छी गाड़ी है, या मैं खूबसूरत हूं, जवान हूं, हम पे पैसा बहुत है। ये हमारा नहीं है। भगवान की दो बातें बड़ी अच्छी हैं कि खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ ही बुला लेता है। ना लाने की चिंता, ना ले जाने की चिंता। आइए किराया दीजिए और चले जाइए। एक वजन मुझे याद आता है, वहीं से शुरू करूंगा। मिट्टी का होकर भी कितना इतरा था। बाबा मोहन राम आज मैं समझता हूं पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि जो मेरे पास एक दो कॉल रोज ना आती हो। भजन सुनकर बहुत सारे दुखिया मुझे कॉल करते हैं, मैंने कि मैं भगत तो नहीं हूं, मैं भगत जी का नंबर दे देता हूं, क्योंकि कम से कम 50-100 भजनों में मेरे साथ हैं। बहुत सारे भक्तों के नंबर देता हूं, उनका दुख इतना होता है कि मोहन राम में आस्था और बढ़ जाती है। शरीर जिसे हम लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, कवि लिखता है कि यह बेकार है, कुछ नहीं है। ये मिट्टी है जिस पर हम लोग फिदा होते हैं। कहा है कि ईंट का गारा बना, खून का गारा बना ईंट, जिसमें हड्डियां और वे चंद सांसों पर टिका है ये ख्याली आसमां। कि मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, तो देख लेना ये इमारत तेरी खाक में मिल जाएगी। आइए एक सुंदर सा भजन सुना रहा हूं, सुनेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, कहिए खोड़ी धाम की, और मिट्टी का होकर भी तू कितना इठलाता है, औकात नहीं कुछ भी, कुछ औकात नहीं है, फिर भी इतराता है मिट्टी का होकर भी। कुछ समय तो पता नहीं चलता, ओमकार भाटी जी है ना, तुम्हें तो अब भी चल रहा है, हम तो अब भी कैमरामैन बने हुए। एक उम्र ऐसी आती है कि 30 साल 35 साल या 20 साल तक तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, जैसे जैसे लोग विदा होते हैं, हमारे साथी चले जाते हैं, हमारे बुजुर्ग जाते हैं, माता पिता चले जाते हैं, तो इंसान को पता चलता है इस दुनिया में शरीर ही कुछ नहीं। बड़ा सुंदर भजन है। जो लोग भजन सुनना है, दो तरह के लोग आते हैं जागरण में, ध्यान से सुनना, एक देखने वाले और एक सुनने वाले। जो देखने वाले हैं वो देखेंगे भाई दो लेडीज कलाकार, ये ढूंगा किसने तकड़ा मारा, वह निशा नाची क्यों नहीं, ये हो गए देखने वाले। और वे जो सुनने वाले हैं, वो चाहे हमारी माता बहने हैं या मेरे भाई हैं, वो सुनने के लिए बैठे, कोई भी गाए, उन्हें केवल सुनना। तो लिखा है कि मिट्टी का होकर भी, मिट्टी का होकर भी कितना इठलाता है, औकात नहीं कुछ भी, औकात नहीं कुछ भी, फिर भी
एक कांटा छोटा सा, एक कांटा छोटा सा तुझे चीर के जाता है, मिट्टी का होकर भी, मिट्टी का होकर भी। प्रशांत लोहिया जी, है ना, प्रशांत लोहिया जी जिनकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान मेरे भजन से पहले आया था, और हमारी बहन जी की तरफ से आए हैं, और हमारे 201 रुपए हमारे भाई ने दिए। दो लाइन आई है कि लोहे का होता तो कुछ सहन भी कर लेता, अगर इंसान लोहे का होता तो कुछ सहन कर लेता, एक कांटा अगर पैर में लग जाता है तो इंसान लंगड़ा हो जाता, दर्द से बिल बिला उठता है, करहा उठता है। लेकिन अभिमान देखिए, एक छोटी सी बात किसी ने कह दी, वहीं अड़के खड़ा हो जाता। बड़े सुंदर सतीत भजन, आइए गुरु जी क्या बताए। कागज से भी कच्चा है, कागज से भी कच्चा है, यूं ही गल जाता है, मिट्टी का होकर भी, मिट्टी का होकर भी। सोने का होता तो कुछ मोल भी लग जाता, लेकिन कमाल देखिए कि जब इंसान चला जाता है ना, तो बड़ी जल्दी से लोग घर से विदा कर देते हैं। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बड़ा आभारी हूं। बहुत जल्दी ले जाते हैं घर से, उठाकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि कोई मोल नहीं होता। इस दुनिया में एक इंसान ऐसी वस्तु है, इंसान ऐसी चीज है जो किसी के काम नहीं आता, जीते जी भी कई बार काम नहीं आता, और मरने के बाद भी काम नहीं आता। हृदय से धन्यवाद करूंगा भाई का, बहुत बहुत। सारी चीजें इंसान के लिए बनी है, इंसान किसके लिए बना है, धोखा दे देता है। बड़े सुंदर शब्द आएंगे, आई सुनेंगे क्या बताए। पत्थर का होता तो, पत्थर का होता तो तराश दिया जाता, पत्थर का होता तो तराश दिया जाता, कितनी पर धूल हुआ, कितनी पर धूल हुआ, तू भूल क्यों जाता है, मिट्टी का होकर भी, मिट्टी का होकर भी।
जो लोग भजन सुन रहे हैं, आगे की खबर होती, आगे की खबर होती तो फिर भी इठलाता, आगे की खबर होती तो फिर भी इठलाता। एक पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं, कुछ कर नहीं पाता है मिट्टी का होकर भी, मिट्टी का होकर भी। है है। ये हार्ड मास का एक, ये हार्ड मास का एक पुतला कमजोर तेरा, ये हार्ड मास का एक पुतला कमजोर तेरा। गौतम भाटी फिर भी, गौतम भाटी फिर भी बड़ा जोर दिखाता है मिट्टी का होकर भी, 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 मिट्टी का होकर भी। उठाइए दोनों हाथ सीधे, बाबा मोहन राम की तरफ हथेलियां करके कहेंगे सच्चे दरबार की, बोलिए खोड़ी धाम की।